तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच सबसे बेस्ट कैमरा फोन के बारे में, जिसे आप खरीद सकते हो अभी के टाइम पे 13,000 के अंडर में। वैसे तो 13,000 के अंडर में आपको काफी सारे फोन देखने को मिल जाएंगे, बट मैंने केवल पांच ही स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इसमें कैमरा तो अच्छा मिलेगा ही, इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पहली बात तो 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा हमारे लिस्ट के फोन में। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, हाई रिफ्रेश रेट होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज भी होगा। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 13,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन या फिर एक अच्छा कैमरा वाला ही स्मार्टफोन चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को। नंबर एक, तो अपने लिस्ट में पहला फोन देखने को मिलेगा Realme की तरफ से, जो कि है Realme C55। ये फोन जो है ना हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है और दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है ये फोन, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर जो है ना इस फोन में सही है। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से। तो इनमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। 550Hz का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा एंड स्मूथनेस जो है ना 12,000-13,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से सही है। और इसके अलावा ब्राइटनेस भी सही है, अगर आप इस फोन को धूप वगैरह में भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से सही मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड जो है ना ज्यादा कैमरा नहीं है, दो ही कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा जो है ना वो 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है, और आप पीछे का कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर, एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं केवल 30fps पर। 12,000-13,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का बढ़िया देखने को मिल जाएगा, और खास करके इस फोन का प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेटर है। तो बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो फोन में मीडियाटेक हेलियो G88 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर जो है ना ज्यादातर 10-11,000 वाले फोन में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 12-13,000 वाले फोन में मिल रहा है तो ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते हैं। आई मीन एवरेज टाइप का है इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर। बात की जाए बैटरी का, तो 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को, एंड ये चार्जर आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके देगा, एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये चार्जर काफी बढ़िया भी है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फोन प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ दिखेगा, एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का जो है ना काफी खूबसूरत सा लगता है देखने में। पर्सनली इस फोन का डिजाइन वगैरह मुझे काफी बढ़िया लगा, और 179 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट को लगभग नॉर्मल ही कहेंगे। इसके अलावा थिकनेस इस फोन का काफी कम है, क्योंकि 7.8mm का थिकनेस है। इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी बढ़िया है, और आपको बता दें कि आईफोन 14 में जैसा डायनेमिक आइसलैंड था ना, और वैसा ही कुछ रियलमी इसमें भी दिया है, जिसका नाम रखा है मिनी कैप्सूल। ये फीचर मुझे काफी बढ़िया लगा इस प्राइस रेंज के फोन में। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी फीचर की बात कर ले तो इनमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फोन रियलमी UI 4.0 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस है। आइए फिर बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो ये फोन जो है ना कुल 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। पहला आता है 464, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 11,000 रुपया है। दूसरा वाला वेरिएंट है 664, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 12,000 रुपया है, एंड आखिरी वाला वेरिएंट है 8128, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,000 रुपया है। तो आपको बता दें कि इस फोन का बेस वेरिएंट ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो इस फोन का बेस वेरिएंट को ही लीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। नंबर दो, तो अपने लिस्ट में दूसरा फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G40 फ्यूजन। नॉर्मली इस फोन का प्राइस कुछ ज्यादा ही रहता है, बट फिलहाल के टाइम पे यह फोन आपको 11-12,000 रुपया में आराम से देखने को मिल जाएगा। यह फोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन अभी के टाइम पे भी यह फोन काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का कैमरा से ही। इस फोन के बैक साइड जो है ना 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। पीछे का कैमरा से मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, और 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर, और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो 11-12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया मिल जाएगा, और कैमरा इस फोन का सही भी है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि ये चिपसेट 8nm पर बना हुआ है, एंड 2.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर इस फोन का ऐसा है कि अगर आप इस फोन में हल्का फुल्का गेमिंग भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आई मीन प्रोसेसर जो है ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें बैटरी का, तो 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट करता है 20W का चार्जर को। ये चार्जर भी चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है, बट हाँ एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इनमें जो है ना 6.7 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और 450Hz का ब्राइटनेस भी है। ब्राइटनेस ऐसा है कि इससे काम चल सकता है, और रिफ्रेश रेट जो है ना इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का
काफी बढ़िया मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा बात करें बिल्ड क्वालिटी का, तो यह फोन प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ दिखेगा। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और इसमें 6000mAh का बैटरी लगा है, तो ऑफकोर्स इस फोन का वेट और थिकनेस तो बढ़ेगा ही। इसलिए इसमें 9.6mm का थिकनेस एंड 220g इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस इस फोन का थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा इनमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन मोटो का है, तो ऑब्वियसली ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के ही साथ आएगा। आई मीन ये फोन जो है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 11 पर। फोन में एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा, 2 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी है, तो ये चीज भी काफी सही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का आखिरी में प्राइस का, तो ये फोन दो वेरियंट में देखने को मिल जाएगा। पहला आता है 464, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 11,000 रुपया है। फोन का बेस वेरियंट ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। फोन का टॉप वेरियंट भी आता है 628, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 19,000 रुपया है। तो ऊपर आपको सोच के कोई फायदा नहीं है, इस फोन का बेस वेरियंट ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। तो अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का, नंबर 3। तो अपने लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme Narzo 55G। क्या है कि ये फोन जो है ना फिलहाल के टाइम पे आपको 13,000 रुपया में ही देखने को मिलेगा, एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन जो है ना एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। और बात रहा कैमरा का, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा इस फोन का बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो आइए फिर एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। ये फोन भी प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ दिखेगा। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और बाकी बात इस फोन का डिजाइन वगैरह भी काफी खूबसूरत सा लगता है देखने में। पर्सनली इस फोन का डिजाइन भी मुझे काफी बढ़िया लगा। इसके अलावा 8.1mm का थिकनेस एंड 190g इस फोन का वेट है। थिकनेस इस फोन का काफी कम है एंड वेट भी लगभग नॉर्मल ही है। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इनमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट भी है, जिसे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और ये फोन Realme UI 3.0 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। आइए फिर बात कर लेते हैं इस फोन का कुछ मेन मेन फीचर्स का, तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का प्रोसेसर से। तो MediaTek Dimensity 810 वाला अच्छा पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। यह एक 5G चिपसेट है, यह चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग इस फोन में कर पाएंगे। और आपको बता दें कि लगभग 4 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बढ़िया है। अगर आपको 13,000 रुपए में अच्छा 5G स्मार्टफोन भी चाहिए, तो इसके लिए भी यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इसमें जो है ना 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को। एंड ये चार्जर ऐसा है कि फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देता है। मैं जो फोन यूज करता हूँ उसमें भी 33W का चार्जर सपोर्ट करता है एंड काफी फास्ट चार्ज करके भी दे देता है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इसमें 6.6 इंच का फुल LCD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले जो है इस फोन का काफी बढ़िया एंड काफी बेस्ट है। इसके अलावा इनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 600 nits का ब्राइटनेस दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना 13,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा एंड ब्राइटनेस भी बढ़िया है, जिससे अगर आप इस फोन को धूप वगैरह में भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले इस फोन का बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड जो है ना वो 2 कैमरा है। प्राइमरी कैमरा 48MP का है, सेकंड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा वो 8MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। एंड इसके अलावा इसमें काफी सारा मोड फिल्टर देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया है। अगर आपको 13,000 रुपए में अच्छा तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें कैमरा भी बढ़िया मिल जाए, तो नो डाउट यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो बेझिझक होकर ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का, नंबर 4। तो अपने लिस्ट के फोर्थ नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको M4 Pro 4G। अगर आपको कैमरा पर्पज के लिए ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं। एंड कैमरा के अलावा इसमें सभी फीचर जो है ना काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। इस फोन को एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो इस फोन का भी डिटेल्स स्पेसिफिकेशन बताएंगे, तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है चलिए जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इस फोन का कैमरा से ही। इनमें 3rd रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकंड कैमरा 8MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है। थर्ड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा 16MP का है। आप इन कैमरा से यानी कि रियर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। एंड इसमें आपको काफी सारा मोड फिल्टर देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का है, तो नो डाउट ये फोन एक अच्छा बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। तो हो गया कैमरा, बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो इसमें MediaTek Helio G96 वाला एक अच्छा पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर को एक अच्छा पावरफुल चिपसेट माना जाता है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या कहें अगर आपको 12-13 हजार रुपए में अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन भी चाहिए, तो इसके लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप
आपको बता दें कि 3.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया भी है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इस फोन में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33 वाट का फास्ट चार्जर को, एंड ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट भी चार्ज करके देगा, ये चीज बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे कि इस फोन का डिस्प्ले जो है ना वो AMOLED है, जिससे आपको कंटेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग में काफी मजा आएगा। इसके अलावा इनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, 700 nits का ब्राइटनेस एंड इसके ऊपर कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। नो डाउट डिस्प्ले फोन का बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, यानी कि प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और 179 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट को एक अच्छा लाइट वेट कह सकते हैं। इसके अलावा 8mm का थिकनेस है, जो कि काफी पतला फोन है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का सही है। इसके अलावा इनमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है, और इनमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगा। ये फिर बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो ये फोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला आता है 664 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है, एंड दूसरा वाला वेरिएंट है 6 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,000 रुपया है, एंड आखिरी वाला वेरिएंट है 8 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपया है। तो इस फोन का बेस वेरिएंट ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए। 15,000 रुपया में इस फोन को लेकर कोई फायदा नहीं है, इससे भी अच्छा अच्छा फोन देखने को मिल जाएगा 15,000 रुपया में। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो मेरे ख्याल से इस फोन का बेस वेरिएंट को ही लीजिएगा। खैर चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का आखिरी फोन का, नंबर 5। तो अपने लिस्ट का आखिरी नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F13। अगर आपको 10-11 हज़ार रुपए में एक अच्छा बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो इसके लिए ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, सिर्फ कैमरा ही नहीं, इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। तो ये फिर डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का सही लगता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 9.3mm का थिकनेस एंड 207 ग्राम इस फोन का वेट है। आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि वेट और थिकनेस इस फोन का ज्यादा है। देखिए, वेट और थिकनेस ज्यादा होने का कारण है 6000 mAh का बैटरी लगा हुआ है, जिसके कारण इस फोन का वेट और थिकनेस थोड़ा सा बढ़ गया। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी फीचर की बात करेंगे तो इनमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आप डबल सिम एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करें तो 1x4.1 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। तो आइए फिर बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स का, तो बात करते हैं पहले कैमरा का। फोन के बैक साइड जो है ना वो 3 कैमरा है, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर है, और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। आप इन कैमरा से यानी कि रियर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। 10-11 हज़ार की प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। जी हां, ये फोन एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन भी है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 480 nits का ब्राइटनेस दिया गया है, एंड इसके ऊपर कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ, इससे काम चल सकता है। स्मूथनेस भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है, तो नो डाउट इस प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इसमें एक्जीनोस 850 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि ये चिपसेट 8nm पर बना हुआ है। ये प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट हाँ, 10-11 हज़ार के प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर सही है। अगर आप इस फोन को मेन कैमरा पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तब ये फोन सही होगा, एंड गेमिंग वगैरह के लिए ये फोन बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इस चीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा बात की जाए बैटरी का, तो 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट करता है 15W का चार्जर को। ये बैटरी आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, बैटरी इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। थोड़ा सा आपको चार्जिंग से कम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम तो लेगा ही। फिर अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। ये जो है ना इस फोन का टॉप वेरिएंट है, इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 12,000 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है 464 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 11,000 रुपया है। तो अगर आपको 11-12 हज़ार रुपये में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर्स भी काफी तगड़ा लेवल का है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। देख लीजिए कि 13,000 के अंडर में आपको 5 सबसे बेस्ट फोन का ऑप्शन है। आई मीन आप अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। ये सभी फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।